नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स हिंदू रीति रिवाज में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में बात करेंगे नरक चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त और अभ्यंग स्नान के शुभ मुहूर्त के बारे में। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी, नरक चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है और नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। नरक चतुर्दशी का पावन पर्व धनतेरस के अगले दिन यानी छोटी दीपावली को मनाया जाता है। इस बार नरक चतुर्दशी 3 नवंबर 2021 दिन बुधवार को है। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। नरक चतुर्दशी 3 नवंबर 2021 बुधवार को 9:02 से प्रारंभ हो गई और 4 नवंबर 2021 गुरुवार को सुबह 6:03 पर समाप्त होगी। दोपहर 1:33 से 2:17 तक विजय मुहूर्त रहेगा। बृहस्पतिवार 4 नवंबर 2021 को सुबह 5:40 से सुबह 6:03 तक अभ्यंग स्नान का मुहूर्त रहेगा, यानी कि अभ्यंग स्नान करने की कुल अवधि सिर्फ 23 ही है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली की पूजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम से दीप दान की परंपरा भी है। नरक चतुर्दशी के दिन यम के लिए आटे का चौमुखा दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर जलाया जाता है। घर की महिलाएं रात के समय दीपक में तिल का तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। इस दिन रात के समय विधि विधान से पूजा करने के बाद दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखते हैं और मृत्युनाम दंड पाशाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात सूर्यजह प्रियता मम, इस मंत्र का जाप करते हुए यम का पूजन करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर अनाज की ढेरी रखें। इस पर सरसों के तेल का एक मुखी दीप जलाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखें। तो आइए आगे अब आपको बताता हूँ कि घर के बाहर चौमुखी दीपक जलाने के पीछे क्या कारण है और इस दिन यमराज की पूजा क्यों की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज ने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हें प्राणियों के प्राण हरते समय किसी पर दया नहीं आती। यमराज के इस प्रश्न पर पहले यमदूत संकोच में पड़ते हुए मना कर दिया, परंतु यमराज का दोबारा आग्रह करने पर दूतों ने एक घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने जन्म के बाद नक्षत्र गणना की और बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानने के बाद राजा ने बालक को यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर उसका लालन पालन किया। एक दिन उसी तट के किनारे महाराज हंस की युवा पुत्री यमुना तट पर घूम रही थी। राजकुमारी को देखते ही राजकुमार उस पर मोहित हो गया और उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। ज्योतिष गणना के अनुसार विवाह के 4 दिन बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु देखकर राजकुमारी बिलख बिलख कर विलाप करने लगी। यमदूतों ने यमराज को कहा कि महाराज, उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा था। यमदूतों ने बताया कि राजकुमार के प्राण हरण करते समय आंसू नहीं रुक पा रहे थे। ऐसे में एक यमदूत ने यमराज से अकाल मृत्यु से बचने का उपाय पूछा। इस पर यमराज ने उपाय के बारे में बताते हुए कहा कि नरक चतुर्दशी के दिन अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को पूजन और दीपदान विधि विधान के साथ करना चाहिए। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन जिस घर में दीपदान किया जाता है वहाँ लोगों को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। यही कारण है कि नरक चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपदान करने की परंपरा है। नरक चतुर्दशी और अभ्यंग स्नान से जुड़े हुए और भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तथा कमेंट बॉक्स में भी पिन किया गया है। उन वीडियोज़ को देखकर आप नरक चतुर्दशी और अभ्यंग स्नान के बारे में और भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो कृपया वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि ये सभी जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दीपावली के बारे में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।